नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर को लेके एक और टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तक मैं विलियम शेक्सपियर की काफ़ी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर की कुछ खास अच्छी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर के बाद हम विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले वन बाय वन कवर करेंगे। अभी तक मैं टेम्पेस्ट प्ले आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके बाद हम विलियम शेक्सपियर के जो बाकी प्ले हैं उन सभी को कवर करेंगे। आप लोगों ने अभी तक विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और जो मैंने वीडियो बनाई है ग्लोब थिएटर पे, और उसका दूसरा लेक्चर था जिसे मैंने आपको प्लेस की इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सारी आई होप आप लोगों ने कवर कर ली होंगी। तो दोस्तों, एक और लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ विलियम शेक्सपियर को लेके। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, आज हम बात करेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा, जो उनके वर्क्स को लोगों ने कैटेगराइज किया है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कभी नहीं कहा कि जो मैंने वर्क लिखा है ये कोई ट्रेजेडी है। लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि इस ये जो वर्क है ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, और ये कॉमेडी है, ये डार्क कॉमेडी है, ये सब चीज लोगों ने ही कैटेगराइज किया है। तो आज हम जो जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे, वर्क्स के बारे में जानेंगे, उनकी कौन कौन सी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, कौन कौन से रोमन प्ले हैं, कौन कौन सी डार्क कॉमेडीज हैं, कौन सी ग्रेट कॉमेडीज हैं, और वो प्ले जिनमें हमें घोस्ट मिलता है, भूत का रोल मिलता है, कोई ना कोई भूत उसमें होता है, जिनमें स्ट्रोम है, जिनमें विलियम शेक्सपियर ने तूफान का किया है, और प्लेड बाय शेक्सपियर, जो रोल प्लेड रोल प्ले किया है, जिनमें शेक्सपियर के प्ले हैं, विलियम शेक्सपियर ने कुछ प्लेज में खुद ने ही रोल प्ले किया है। प्लेज विद कोरस, एपिलॉग एंड प्रोलॉग, दोस्तों ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिन लोगों को यह नहीं पता है कि ये कोरस और एपिलॉग और प्रोलॉग क्या होते हैं, तो वो चिंता ना करें, इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब लिटरेरी टर्म बनाएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ताकि इन चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप अभी तक आप लोगों को आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में। विलियम शेक्सपियर ने चार ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी हैं। वो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। दोस्तों, इसको याद करने के लिए लोग एक और चीज को, ट्रिक को अपनाते हैं, होकम। होकम क्यों अपनाते हैं, ये इसको सीक्वेंस में कभी पूछ भी लेता है एग्जामिनर, एक बार पूछा भी गया था कि इनका सीक्वेंस क्या है, तो इसका सीक्वेंस यही है, एच स्टैंड फॉर हैमलेट, ओ स्टैंड फॉर ओथेलो, के स्टैंड फॉर किंग लियर एंड एम स्टैंड फॉर मैकबेथ। तो होकम ये सारी सीरीज में लिखी भी गई हैं, तो इसीलिए इसका सीक्वेंस यही बनता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसकी चार ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए अब रोमन प्लेस की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने तीन रोमन प्लेस लिखे हैं, जिनमें जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस हैं। ये हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए तीन रोमन प्ले। डार्क कॉमेडीज की बात करते हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर की तीन डार्क कॉमेडीज हैं, जिसमें ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। ये सारी वर्क हैं जो विलियम शेक्सपियर की डार्क कॉमेडीज कहे जाते हैं। इन सबको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब हम प्लेस को पढ़ेंगे, एक एक की फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। जब हम प्ले पढ़ते हैं तो उसका हर एक की फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, और जब हम प्ले पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे प्ले जिनमें हमें घोस्ट मिलता है, भूत का रोल मिलता है विलियम शेक्सपियर के। पहले है हैमलेट। हैमलेट में हैमलेट के फादर का घोस्ट हमें मिलता है दोस्तों। और दूसरा है जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर का घोस्ट किसको दिखता है दोस्तों? ब्रूटस को। इसके अलावा मैकबेथ में मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बेनक्यो। ये तीन प्ले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक प्ले और है जिसमें हमें घोस्ट दिखता है, वो है रिचर्ड सेकंड में भी हमें घोस्ट दिखता है। तो ये चार प्ले हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर के हमें घोस्ट का रोल दिखता है कि कोई भूत भी है उनमें, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
विलियम शेक्सपियर के वो प्ले जिनमें विलियम शेक्सपियर ने तूफान का इस्तेमाल किया है, वो कौन कौन से प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए? किंग लियर, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स एंड लास्ट वन है द विंटर्स टेल। ये चार प्ले हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर ने स्टॉर्म का यूज किया है। रोल्स प्लेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस, ये यहां पे रोल है दोस्तों, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे ये रोल है, रोल्स नहीं है, रोल प्लेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस। कौन सा क्या चीज है और ऐसे कौन कौन से प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा? देखिए, घोस्ट का रोल जो विलियम शेक्सपियर ने ही प्ले किया था हैमलेट में, जो हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है उसका जो रोल है वो विलियम शेक्सपियर ने ही प्ले किया था। एडम इन एज यू लाइक इट किंग लियर में, किंग डंकन का रोल इन मैकबेथ में, और रिचर्ड सेकंड का रोल। अब बात करते हैं प्ले विद कोरस के साथ। रोमियो एंड जूलियट में कोरस है, हेनरी फिफ्थ में है, पेरिकल्स में है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज ऐसे हैं जिनमें एपिलोग भी है। एपिलोग किस किस प्ले में है? द टेम्पेस्ट में है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में जो है एपिलोग है लास्ट में, जो मैंने प्ले पढ़ाया था आपको बताया है कि उसमें एड्रेस जो एपिलोग है वो कौन बोलता है? प्रोस्पेरो बोलता है, और एड्रेस किसको करता है? वो ऑडियंस को करता है। किंग हेनरी फोर्थ में के पार्ट सेकेंड में है, एंड एज यू लाइक इट में है, स्पोकन बाय रोजालिन, एंड हेनरी एट्थ में है। तो दोस्तों अभी तक ये सारी चीजें आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होंगी। शेक्सपियर के कुछ प्ले ऐसे हैं जिनमें प्रोलोग मिलता है, जैसे कि हेनरी एट की यानी कि 32वीं लाइन में हमें प्रोलोग मिलता है, हेनरी फिफ्थ में 34वीं लाइन में, हेनरी फोर्थ, रोमियो एंड जूलियट, पेरिकल्स एंड क्रेसिडा। ये सारी चीजें आपके नोट्स में भी मेंशन है। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके नोट्स में सारी चीजें मेंशन है डिटेल में, पूरी तरह से। आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें जो छूट भी जाती हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई